सुंदरपुर गांव में हरि और रवि नामी आदमी रहते थे। एक दिन रवि हरि से कहता है, अरे रवि, साथ वाले गांव में मेला लगा हुआ है, मैं तो देखने के लिए कल सुबह जाऊंगा, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? बहुत मजा आएगा। हाँ रवि भाई, जी तो बहुत चाह रहा है, लेकिन माँ से एक बार पूछना पड़ेगा, क्या पता वो मना कर दे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुझे मना कर देगी, मुझे जाने देगी, लेकिन एक बार उससे पूछना जरूरी होगा। मैं उससे पूछ कर तुम्हें बताऊंगा। शाम होती ही हरि अपनी माँ के पास जाता है। अरे माँ जी, वो जो मेरा दोस्त है ना रवि, वो कल सुबह साथ वाले गांव में मेला देखने जाएगा। मैंने सोचा है कि मैं भी उसी के साथ चला जाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक बार तुमसे पूछ लूं, आप क्या कहती हैं, मैं जाऊं या नहीं? जी हाँ बेटा, तुम जरूर जाओ अपने दोस्तों के साथ, मगर अकेले कभी मत जाना, क्योंकि रास्ते में खतरनाक जंगल है और वहाँ जाकर अपना ख्याल रखना, और कल शाम से पहले घर वापस आ जाना। और जैसे ही अगली सुबह होती है, वो दोनों गांव से निकल जाते हैं मेला देखने के लिए। और रास्ता बहुत ही सुनसान होता है और रास्ते में बहुत ही खतरनाक जंगल होता है, इसीलिए वो ज्यादा डर रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर हरि रवि से कहता है, अरे रवि भाई, मैं तो कहता हूँ यहाँ बैठकर कुछ देर आराम कर लेते हैं, वैसे भी बहुत दूर तक हम आ चुके हैं। और उधर से रवि को एक चुड़ैल आती हुई दिखाई देती है और वो हरि से कहता है, देखो हरि भाई, वो देखो चुड़ैल आ रही है, अब हम क्या करेंगे? मैं तो कहता हूँ हम दोनों उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। लेकिन रवि भाई, मुझे तो पेड़ पर चढ़ना ही नहीं आता, तुम तो पेड़ पर चढ़ जाओगे, मेरा क्या होगा? क्या तुम्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं आता है? लेकिन मुझे तो आता है, मैं अपनी जान बचाने के लिए कहीं पर भी चढ़ सकता हूँ, मैं तो चढ़ा। अब हरि को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, इसलिए वो जमीन पर लेट गया और अपनी सांस को रोक लिया और चुड़ैल उसके पास से गुजर गई। चुड़ैल ने समझा कि वो मरा हुआ है और इस तरह से रवि और हरि दोनों की जान बच जाती है।